हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हजार्ड फ्लैशर अपनी बाइक में। तो हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करने के लिए हमें ये हेड खोलना पड़ेगा, तो जल्दी से हेड खोल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने हेड खोल लिया है और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी वो भी मैंने साफ कर ली है। तो ये है इसका रिले। तो ये रिले पे ये चारों इंडिकेटर वर्क नहीं करते, तो इसलिए मैंने कुछ इस टाइप का कुछ रिले लिया है। ये कार में यूज़ होता है ये रिले, लेकिन बाइक में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अच्छे से लोड भी ले लेता है ये चारों इंडिकेटर का। तो इसमें कुछ इस टाइप के तीन टर्मिनल्स है। तो आपको जैसे कि दिखाओ, तो ये एक अर्थ का है, ये बैटरी का है, और ये इंडिकेटर में जिसकी पावर आती है वो है। तो इस टर्मिनल को हम अर्थ कर देंगे किसी एक स्क्रू में। ये ऊपर वाला ये स्क्रू में हम इसको अर्थ कर देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अर्थिंग करने के लिए मैंने कुछ हॉर्न क्लिप्स और वायर की हेल्प लेके मैंने कुछ इस टाइप की वायर बना ली है। तो मैं इधर इसको अर्थ कर दूंगा ऐसे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको जॉइंट करने के लिए मैंने कुछ इस टाइप की स्विच ली है, हैंडल बार स्विच जिसको बोलते हैं। तो इसको मैं हैंडल पे इंस्टॉल कर लेता हूँ और फ्लैशर को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go.
तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा मैंने ये स्विच की वायर ये दो निकाली है और मैंने फ्लैशर भी इंस्टॉल कर लिया है। तो जल्दी से ये स्विच की वायरिंग देख लेते हैं। तो जो हमारे इंडिकेटर का जो दोनों प्लस पॉइंट है वो दोनों पॉइंट पे हमको ये वायर ज्वाइन कर देनी है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों वायर कनेक्ट हो चुकी है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा मैंने ये दोनों वायर कनेक्ट कर दिए और मैंने वायर टैप से भी ये कनेक्ट कर दी है। तो पूरा सर्किट हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं और पीछे के मैं एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये पीछे के भी दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये पूरा काम वर्क कर रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कोई एक कॉमेंट लिख के जाना।